उसके बाद हमने SHO को कॉल किया, पुलिस वगैरह सबको इन्फॉर्म किया, लेकिन अभी तक इनको उनके बॉडी को ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस आई नहीं। ये हाल है यहाँ पर। अगर टाइम पर एम्बुलेंस आया होता तो शायद मेरे माता बच सकते। फादर बिल्कुल स्वस्थ है, बस जैसे ही उनकी हालत खराब होने लगी ना, कोविड पेशेंट थे जी जी जी, तो हमने एडमिट के लिए उनको ना हर जगह कोशिश किया, दो दिन से लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन किसी ने भी पाया नहीं। नोएडा हेल्पलाइन नंबर है, कोविड हेल्पलाइन नंबर है, उस पर किया, 1075 पे किया। उसके अलावा गूगल पे देखा, जितने सारे नंबर है, आप मतलब एक करता रहा लगातार कॉल करता रहा। मेरे बड़े भाई हैं, उनकी तबीयत लगभग 4 से 5 दिनों से खराब चल रही है। अब उनकी तबीयत और सीरियस होती जा रही है। स्थिति ये है कि कई दवाइयां ऐसी हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। विटामिन सी के लिक्विड होते हैं, वो मार्केट में इतना मतलब कि है ही नहीं, खत्म हो गए हैं। मतलब एक दो नहीं, ऐसी तमाम दवाइयां जो मैं लेकर के जा रहा हूँ वो दवाइयां मेडिकल स्टोर पे नहीं रही हैं, उनकी जगह कोई और रिकमेंड की जा रही है, मैं उनको लेकर के जा रहा हूँ, वो भी नहीं मिल रही है। तो सिर्फ भटकना है। और मैं 5 दिनों से कोशिश में हूँ कि कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए। काफ़ी लोगों से मैंने पैरवी भी कर ली, फोन फान करके, अब मैं थक गया हूँ, लोगों के हाथ पांव जोड़ करके थक गया हूँ। लेकिन आज के समय में वो होम क्वारंटाइन ही है और उनकी लगातार तबीयत खराब हो रही है। मैं यहाँ आया था सिविल हॉस्पिटल पेशेंट को लेकर के, एक्चुअली उनको कोरोना हो गया है। 3 दिन पहले हमने कराया था, रिपोर्ट आई है, तो अब हम लोग आए हैं यहाँ पे। लेकिन अब ये बेड बता नहीं रहे कि यहाँ एडमिट करेंगे नहीं करेंगे, कुछ मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब देखते हैं हम वहाँ पे जाते हैं, कोई कह रहा है एरा चले जाइए, कोई वो बोल रहा है वहाँ बलरामपुर हॉस्पिटल चले जाइए। क्या बताएं आप, समझ में नहीं आ रहा है, क्या बताएं आपको बस। कि जो परचित की मौत हुई, कैसे मौत हुई? कोविड से। किस अस्पताल में एडमिट थे वो? इंटीग्रल। हाँ, व्यवस्था किसकी? इंटीग्रल बिल्कुल बेकार थी व्यवस्था, वहाँ की इतनी खराब व्यवस्था तो की नहीं। जिसकी अप्रोच है उसका ट्रीटमेंट होता है, बाकी सब बहुत जो प्राइवेट अस्पताल है उनकी व्यवस्था बहुत ही खराब। आपने किसी आदमी से, किसी अधिकारी से क्या शिकायत करें भैया? पेशेंट के पास तो जाने नहीं देते हैं। क्या अधिकारी, 3 बजे से मौत हुई, 6:30 बजे सूचना दी। तुम्हारे पिताजी ने कोई वीडियो वायरल किया था? हाँ, वो 3 दिन पहले वायरल किया था कि यहाँ ट्रीटमेंट अच्छी नहीं हो रही है, मुझे लखनऊ ले चलो वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा। मतलब मंत्री जी से और DM साहब से आदेश मांग रहे थे कि हमको आत्महत्या की अनुमति दीजिए। हालात बद से बदतर हैं। यूपी में रहते हैं अगर आप, तो अपने आसपास देखिए, अपने परिवार को देखिए, दोस्तों को देखिए, रिश्तेदारों को देखिए, हर तरफ से लोग मदद की गुहार मांग रहे हैं। कोविड टेस्ट के लिए अस्पतालों में लंबी लाइनें लग रही हैं, कई जगह टेस्ट तो हो जा रहे हैं लेकिन रिपोर्ट आने में देरी हो रही है। अस्पतालों की स्थिति यह है कि बेड की दिक्कत है, एम्बुलेंस को फोन करो तो फोन उठ जाता है लेकिन जो मदद है वो मिलने में देरी हो रही है। लखनऊ से सांसद हैं कौशल किशोर, वो कह रहे हैं कि लखनऊ में हजारों परिवार जो है वो कोरोना की चपेट में बर्बाद हो रहे हैं, शमशान घाटों पर लाशों के ढेर लगे हैं, इसमें चुनाव जरूरी नहीं है। यूपी के एक मंत्री की चिट्ठी भी वायरल हुई थी, वो भी लखनऊ जो प्रदेश के हालात हैं उनको देखकर दुखी हैं और वो परेशानियां गिना रहे हैं।